बात है जब बॉलीवुड इंडस्ट्री के डिस्को डांसर एक्टर टर्न पॉलिटिशियन मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर होने वाले रैलियों को लेकर जमकर यहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ निशाना साधते हुए कई कड़वे शब्दों का प्रयोग किया। कुछ ऐसी बातें भी कह बैठे मिथुन चक्रवर्ती। खासकर वो कोबरा वाले बयान की बात की जाए तो उसकी इस कदर चर्चा हुई कि मिथुन चक्रवर्ती काफी निंदनीय शब्दों का सामना कर बैठे। जी हां, जमकर हुई मिथुन चक्रवर्ती के शब्दों की आलोचना जब ममता दीदी के खिलाफ उन्होंने बात की, जब खुद को कोबरा कहकर उन्होंने खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश की। अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता बनकर जब मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में अपने फैन फॉलोइंग को राजनीति तरीके से खींचने के लिए अपना कदम बढ़ा बैठे तो उनसे बहुत बड़ी भूल हुई। उन गलतियों का स्वीकार करना मिथुन चक्रवर्ती के लिए आसान नहीं था। ऐसे में आज हम मिथुन चक्रवर्ती के बारे में फिर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज है आप सभी का स्वागत सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी में। आज मिथुन चक्रवर्ती की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की होगी बात, तो आइए इंतजार की इस बात का एक नजर डालते हैं मिथुन चक्रवर्ती की लाइफ की पास्ट सीक्रेट्स और कंट्रोवर्सी के बारे में जानने के लिए स्पेशल। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिथुन दा एक ऐसे अभिनेता हमेशा रहे हैं जिनका वाकई में विवादों से नाम हमेशा जुड़ा रहा है। लेकिन विवादों से जिस मिथुन चक्रवर्ती का नाम जुड़ा रहा है, उस विवादों के बीच मिथुन चक्रवर्ती को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर जाना जाता है जिनका विवादों से जुड़ने के अलावा शानदार तरीके से फिल्मों में अपने करियर की वजह से तारीफों में भी रहते देखा गया। सबसे बड़ी विवाद थे मिथुन का श्रीदेवी के साथ अफेयर। 1984 में फिल्म जग जाता इंसान रिलीज हुई। शूटिंग जो इस फिल्म की चल रही थी तभी कहा जा रहा था श्रीदेवी के साथ उनके अफेयर है। और यही सुनने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज हुए थे। इंटरव्यू में उन्होंने कन्फेस किया था कि श्रीदेवी के साथ उन्होंने चुपके से शादी कर ली थी। मोस्ट डिफिकल्ट टाइम फॉर मिथुन चक्रवर्ती वाज साल 1993 to 1998। कई ऐसे राज है जो आपको मालूम ना हो। जी हाँ, ये अब सच है कि विवादों में रहने वाले मिथुन चक्रवर्ती पिछले 33 सालों से उतार चढ़ाव का सामना करते आ रहे हैं। जी हाँ, फ्लॉप फिल्मों और सीक्रेट मैरिज को लेकर मिथुन काफ़ी विवादों में रहे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद फिर कंट्रोवर्सी में वो आ गए। चलिए हम आपको बता दें कि पहली पत्नी श्रीदेवी रही उनकी, ये भी कहा गया, लेकिन असल में योगिता बाली ही उनकी पहली पत्नी थी जो उन्हें छोड़ चुकी थी जब श्रीदेवी से मिथुन ने शादी रचा ली थी। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी को जब छोड़ा तो वापस दोबारा उनकी पत्नी योगिता उनकी ज़िंदगी में आई, लेकिन वो रिश्ता फिर बन नहीं सका जो बहुत खूबसूरत था, जिस दूसरे के आने से खूबसूरत होते नहीं देखा गया था इस ज़माने में। फिल्म करियर की शुरुआत 1976 में मिथुन चक्रवर्ती ने मिर्गिया से किया और नेशनल अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए उन्हें मिला जब उनके परफॉर्मेंस की हुई तारीफ फिल्म एक्टर के तौर पर। और इसी वजह से मिथुन चक्रवर्ती के साथ अगर देखा जाए तो रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं सभी के, लेकिन फिर भी वो ध्यान भटका कर अपने बच्चों को काफ़ी कोशिश करती है कि चीज़ें वो उन सबके बीच ना हो। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मिथुन चक्रवर्ती का नाम जो है विवादों में रहने के अलावा काफ़ी ज़्यादा अपने एक्टिंग को लेकर तारीफों में भी रहा। अपने को स्टार रंजिता, योगिता बाली, सारिका, इन सब के साथ मिथुन का नाम जुड़ा, लेकिन श्रीदेवी सबसे ज़्यादा डिस्कस की गई थी सीक्रेटरी मैरिज को लेकर। कहा गया है कि 1984 में जग जाता इंसान के साथ इन्होंने स्क्रीन शेयर किया सबसे पहली बार। फिर अफेयर के सिलसिले शुरू हो गए इन दोनों के, जब मिथुन चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के बीच ये बात पता चली और मिथुन को जब ये पता चली तो काफ़ी ज़्यादा वो खुद भी नाराज़ हुई। खैर, मिथुन चक्रवर्ती अपनी ज़िंदगी में बोल तो कर बैठे, सच्चाई उन्होंने छुपाई, इस कारण वो काफ़ी क्रिटिसाइज भी हो गए। काफ़ी फिल्में जब फ्लॉप होने लगी 90s के दौर में, एक से बढ़कर एक, तो 7 साल वो ऐसे ही ठोकर खाते रहे।
33 फिल्में मिथुन चक्रवर्ती की फ्लॉप रही, जिस कारण वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने रहे। ये भी कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती ने कई राज लोगों से छुपा कर रखे थे स्टारडम को लेकर। फ्लॉप जब हुआ उनका करियर तो काफी मुश्किलों से वो गुजरे। डायरेक्टर ने फिर भी 12 फिल्मों के लिए उनके स्टारडम की वजह से साइन फिर भी उन्हें कर रखा था। और कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती का नाम कई चीज़ों में जुड़ा और मिथुन चक्रवर्ती की केमिस्ट्री जो थी गैर कानूनी मामलों के साथ भी जुड़ी। परिवार के प्रेशर के कारण उन्होंने कई गलत कामों से दूरियां बना ली थी। 350 फिल्में की हैं उन्होंने। वारदात, अविनाश, जाल, डिस्को डांसर, करप्शन, घर एक मंदिर, वतन के कीपर, अपने से कौन, स्टेप्स, हमसे है, बॉक्सर, बाजी, कसम काटने वाले की, प्यार झुकता नहीं, इस तरह की फिल्में, करिश्मा कुदरत का, स्वर्ग से सुंदर, ऐसी फिल्में उन्होंने की। आज अरबों की संपत्ति है उनके पास। होटल है ओटी में जिसमें 59 रूम है, 4 लग्जरी सूट्स है, हेल्थ फिटनेस सेंटर है, स्विमिंग पूल है, और ऐसे वो अपनी आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। जिसको वार है, सब कुछ है, जिसमें अरबों की संपत्ति के वो राज करने वाले अभिनेता बनकर लोगों के बीच तारीफों में बने हुए हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे मिथुन चक्रवर्ती की प्रॉपर्टी करोड़ों करोड़ों की है, और किड्स कॉर्नर है जिसमें फैसिलिटीज ज़बरदस्त है, नाइट काओ बॉय बार एंड डिस्को है, मिड नाइट काओ बॉय बार। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती के पास अपना घर का घर है, कॉटेज है, एसी स्काफ फोल्डिंग है, इतना ही नहीं अपने खुद के जीप है, हॉर्स राइडिंग फैसिलिटी है, ये सब है उनके पास अपने खूबसूरत मासीनागुड़ी में 16 बंगलों जो उनके अपने हैं, जिनके रेस्तरा से लेकर बेहतर फार्म हाउस और होटल्स देश के अलग अलग कोने में हैं, जहां से करोड़ों करोड़ों रुपए मिथुन चक्रवर्ती इनकम सोर्स के लिए तय कर चुके हैं, जो महीनों रोजाना कमा रहे हैं बिना फिल्मों के भी करोड़ों। मिथुन चक्रवर्ती के बच्चों की भी जिंदगी काफी विवादों में रही। अपनी पत्नी योगिता बाली के साथ रिश्तों को लेकर भी मिथुन कुछ कम विवाद में नहीं रहे। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती भी अपनी दो दो शादियों को लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की गलियारियों में आलोचना का सामना कर चुके हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने बच्चन परिवार के साथ रिश्ते को लेकर भी काफी ज्यादा विवादों का सामना किया, और खासकर सपा की सांसद यानी कि जया बच्चन के साथ मिथुन चक्रवर्ती का इस तरह पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भिड़ना बच्चन परिवार के साथ रिश्ते में तकरार की तरफ कर रहा है मिथुन के घर पर इशारा। खैर, उम्मीद करते हैं आज मिथुन चक्रवर्ती और जया बच्चन के बीच जो इनडायरेक्टली राजनीति मामले में हुआ है विवाद, इसका अंत जरूर हो। फिलहाल यहीं पर लेंगे आपसे इजाजत, फिर लौटेंगे ऐसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की आपके फेवरेट कलाकारों की रियल लाइफ स्टोरी प्रेजेंट करने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सेलेब्स कॉन्ट्रोवर्सी में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।